नमस्कार, मैं हूं वैभव नाथ शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभव वन। मित्रों, रोज की तरह एक बार फिर हम लोग बात करेंगे 31 दिसंबर के राशिफल, पंचांग और महा उपाय के बारे में। आज 2017 का आखिरी दिन है, तो जानने से पहले ये भी दिन के बीतने से पहले जान लेना चाहिए कि दिन कैसा बीतेगा। तो आइए हम लोग जानते हैं आज का पंचांग क्या कहता है। विक्रम संवत 2074, मास चल रहा है पौष का, तिथि शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है, रविवार का दिन है, नक्षत्र है रोहिणी, योग है शुभ और करण है तैतिल। तो मित्रों, ये तो रही बात आज के पंचांग की, अब चर्चा कर लेते हैं राशिफल की। तो सबसे पहले बात मेष राशि की। मेष राशि वाले जातक लोगों के लिए आज का दिन बहुत बड़ा है, बहुत बढ़िया हो सकता है। आज कोई बहुत बड़ा फायदा आपको मिल सकता है और कोई बड़े जॉब का ऑफर भी, व्यापारी वर्ग को बड़े काम का कोई प्रस्ताव मिले, ऐसे योग भी आज दिखते हैं। ओम भक्ति प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी की निंदा करने से आपको बचना चाहिए। वृषभ राशि, वृषभ राशि वाले जातक लोग, आज आपका कोई पुराना मित्र आपको बड़ा धन लाभ करवा सकता है। आज थोड़ा सा संतोष का भाव अपने अंदर जरूर रखना चाहिए। ओम भक्त विघ्न विनाशनाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। अपने उत्साह में आप कमी ना होने दें। मिथुन राशि, मिथुन राशि वाले जातक लोगों के लिए भविष्य की दृष्टि से किए जाने वाले निवेश के बारे में आज आप योजना बनाएं तो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। आज आप बहुत सोच विचार और चिंतन से जो काम करेंगे उसमें आपको अच्छा लाभ और सफलता मिलने वाली है। ओम भक्त वांछित दायकाय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए हितकारी होगा। गरीब व्यक्ति का या उसकी परिस्थिति का आप अनादर अपमान न करें। कर्क राशि, कर्क राशि वाले जातक लोगों को आज समझौते का मन बना करके रखना आपके लिए जीवन को सहज कर सकता है। लोगों के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लेना, अपना गुस्सा पी जाना, ये एटीट्यूड आपको रखना ज़्यादा लाभकारी होगा। परिवार में जरूर हल्के तनाव की स्थिति बन सकती है, लेकिन आप सब कुछ बहुत आसानी से सुलझा सकते हैं। ओम ब्रह्मा विद्युत माय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। धन का व्यय आप न करें। सिंह राशि, सिंह राशि वाले जातक लोगों के लिए आपके प्रति जिन लोगों का नजरिया नकारात्मक रहता है, आज आप उनसे दूर ही रहें तो ज़्यादा बेहतर होगा। ओम ब्रह्म द्वेष विवर्जिताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी है। समय बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसे व्यर्थ में न जाने दें। कन्या राशि, कन्या राशि वाले जातक लोगों के लिए व्यापार व्यवसाय के लिए यह समय उत्तम कहा जा सकता है। निवेश लाभदायक रहने वाला है। ओम ब्रह्मचारिणे नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपको लाभ देगा। बहुत उत्सुकता किसी भी काम में आप मत दिखाइए। तुला राशि, तुला राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपके अधूरे काम पूरे होने जा रहे हैं। जो काम बहुत खास है उस पर तुरंत ध्यान दें। ओम बुद्धि प्रियाय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। निवेश इस समय आप न करें तो ज़्यादा बेहतर होगा। वृश्चिक राशि, वृश्चिक राशि वाले जातक लोगों के लिए आज आप शुभ ऊर्जा से परिपूर्ण रहने वाले हैं। आज आपको शक्तिवान, प्रतिष्ठित और समझदार लोगों से सम्मान मिले, ऐसी स्थिति आपके लिए बनती है। ओम बीजापुर फलाशक्ताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। खराब स्वास्थ्य को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। धनुराशि, धनुराशि वाले जातक लोगों के लिए आज आपका पूरा दिन कामकाज में, व्यस्तता में, भागदौड़ और तनाव में ही बीतने वाला है। आपको दाम्पत्य जीवन का सुख प्राप्त होगा। जीवन साथी के साथ काफ़ी सकारात्मक ढंग से बातचीत हो, इसके योग आपके लिए बन रहे हैं। ओम प्रसन्न आत्मने नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी रहेगा। कार्य की रुकावट से आप तनावग्रस्त ना हो। मकर राशि, मकर राशि वाले जातक लोगों के लिए कोई नया दायित्व आज आपको प्राप्त हो सकता है और अपने दायित्वों की पूर्ति के लिए आज आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे योग बनते हैं और आप करेंगे भी। ओम प्रमत्ता दैत्य भयताय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना आपके लिए लाभकारी होगा। कार्य में अवरोध से मन को निराश आप न करें। कुंभ राशि, कुंभ राशि वाले जातक लोगों के लिए जीवन शैली ज़्यादा संतुलित होगी। शाम को परिवार के साथ घूमने फिरने का कार्यक्रम बन सकता है। ओम पूताय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। किसी के बारे में पहले से कोई धारणा बना करके आप न रखें। मीन राशि, मीन राशि वाले जातक लोगों के लिए आर्थिक दृष्टिकोण से आज का दिन आपके लिए बहुत अनुकूल रहेगा। पिता के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंताएं जरूर घेरे रह सकती हैं। ओम पाशांकुश धराय नमः मंत्र का 108 बार जाप कर लेना आपके लिए लाभकारी होगा। रुपए पैसे के लेन देन में आपको थोड़ा सा सावधानी आज बरतनी चाहिए। तो मित्रों, ये तो बात रही आज की 12 राशि की। हमने जाना कि वर्ष के अंतिम दिन ग्रह नक्षत्र की स्थितियां क्या रहती हैं और दिन को शुभ बनाने के लिए आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए।
अब हम लोग बात करेंगे आज के महा उपाय की। बहुत सारे दर्शकों ने ये पूछना चाहा है कि लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं अगर बनी हों तो उनसे मुक्ति के लिए क्या करना चाहिए। अगर लगातार स्वास्थ्य संबंधी समस्या बनी हुई है, कुछ भी दवा इलाज करके आपको आराम नहीं मिल रहा है, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है, तो ऐसी स्थिति में तुरंत रोगी के वजन के बराबर पहाड़ी नमक, समुद्री नमक भी ले सकते हैं, और अगर समुद्री नमक ना मिले, समुद्री नमक के अभाव में सेंधा नमक भी लिया जा सकता है। अगर उदाहरण के तौर पर रोगी का वजन 60 किलो है तो 60-62 किलो आप बढ़ा करके ले लीजिए, वो चलेगा, कम ना हो तो कुछ आप ज़्यादा ले लीजिए, 60 किलो 62 किलो करीब समुद्री नमक, कोई भी पहाड़ी नमक ले लीजिए, वो सेंधा नमक भी हो सकता है, और उतनी ही मात्रा में सतंजा, 7 प्रकार के अनाज वो ले लेना चाहिए, और पीड़ित व्यक्ति का हाथ लगवा करके बहते हुए जल में उसको प्रवाहित कर देना चाहिए। इसके अलावा पानी वाले 11 नारियल रोगी के सिर से पैर तक लेकर के उतार करके 3 बार आप इसको उल्टा घुमा लें, सिर से पांव तक उनको लिटा करके, और नारियल को रोगी के सामने ही जमीन पर फोड़ दें, नारियल के टुकड़े बहते हुए जल में बहाएं। ये प्रयोग रविवार के दिन करना है, ये दोनों उपाय एक साथ ही करना है। जो नारियल होगा वो उनके सिर से 3 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमा करके आपको फोड़ करके उसके टुकड़े बहाने हैं, और सतंजा और नमक में उनका हाथ लगवा करके स्पर्श करा करके उसको प्रवाहित करना है। ये काम कर दीजिएगा, अगर डॉक्टरों ने जवाब भी दे दिया होगा और उनके कुंडली में, उनकी किस्मत में अभी आयु लिखी होगी, जीना लिखा होगा, किसी भी कारण से ग्रह योग की वजह से वो बीमार चल रहे होंगे, तो तत्काल प्रभाव से आप देखेंगे कि 15 दिन के अंदर वो उठ करके खड़े हो जाएंगे और उनका स्वास्थ्य जो है धीरे धीरे उत्तम हो जाएगा। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि ये छोटे छोटे उपाय, टोटके आप लोगों को पसंद आए, आप इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, आपसे बार बार आग्रह करता हूँ। बीते वर्ष 2017 में आप लोगों ने ढेर सारा प्यार दिया, खूब सफलता दी, इसके लिए आप लोगों को हृदय से आभार है, धन्यवाद है। 2018 का राशिफल हम लोगों ने बहुत पहले रिलीज़ कर दिया था, आप लोगों को बहुत पसंद आया, लाखों लाख उस पर हिट है। आपको यहाँ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अगर आपने अभी 2018 का राशिफल वर्षफल नहीं सुना है तो वो आप अपनी राशि के अनुसार सुन सकते हैं, उसकी लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में रीड मोर जो लिखा हुआ है वहाँ पर आप करेंगे तो आपको मिल जाएगी, आप अपनी राशि अनुसार वर्षफल भी 18 का सुन सकते हैं। नया साल आपके लिए, आपके परिवार के लिए ढेरों खुशियां लेकर के आए, आप खूब तरक्की करें, उन्नति करें, इसी शुभकामना के साथ हमें आज्ञा दीजिए, हमारी आपकी कल फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, हैप्पी न्यू ईयर, शुभ नव वर्ष।